बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। आज हम आपकी ग्रेड 10 क्लास 10 की फिजिक्स की बुक में अपना एक है कहते हैं पहला जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर जा रहे हैं वो है वेव मोशन। सो बेसिकली इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज वेव मोशन देन यू कैन इजीली आंसर देम द डिस्टर्बेंस व्हिच इज पुट इनटू द एनी मीडियम दिस डिस्टर्बेंस इज नोन एज मोशन। ओके, एंड व्हेन यू पुट अ डिस्टर्बेंस इन एनी medium like in a water, so it's called wave motion. Okay, so if somebody asked from you what is wave motion, then the answer was when you put any disturbance in any medium. जब आप किसी भी medium में कोई भी disturbance put करते हो to make to and fro motion about its mean position, जब उसकी main position को आप change करते हो, उसमें disturbance put करते हो आगे पीछे करके in equal interval of time, and this disturbance is passed over from one end of a medium to the other, ठीक है? एक equal interval of time में जब आप कोई disturbance put करते हो किसी medium में, उसकी जगह को उसको change करते हो, ठीक है? So this position is known as and this disturbance is known as wave motion, ठीक है? So for example, जैसे मिसाल के तौर पे आपको दिया हुआ है, dip one end of a pencil in the टब कंटेनिंग वाटर। एक टब पानी की टब में अगर आप कोने पे उसकी पेंसिल कंटेन करें और उसको हिलाएं, रिपीटली मूव द पेंसिल अप, ठीक है, उस पेंसिल को अप एंड डाउन करें, ठीक है, उसको हिलाएं ऊपर नीचे करें, वर्टिकली द रिपल्स एमिट्स, ठीक है, आप देखेंगे कि बुलबुले जैसे बनेंगे या फिर एक लहरें ऊपर उसकी एक सतह पे ऊपर एक लहरें आ जाएंगी टू वर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की ऊपरी सतह पे लहरें बनेंगी। सो दीज जो दीज टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज नॉट as wave motion, okay? So, मैं आपको एक दोबारा बता दूं कि wave motion क्या है? Wave motion, when you put any disturbance in any medium to make to and fro about in main position in equal interval of time, this disturbance is passed over from one end of a medium to the other. Wave motion क्या है? Wave motion is a disturbance which you put in any medium to and fro from its main position. आप उसकी main position जब उसमें to and fro put करते हैं, उसको हिलाते हैं, so this position, this disturbance is known as wave motion. जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्या है, dip the one end of a pencil in the tub containing water repeatedly, move the pencil up and down vertically, ripples emits toward on a surface of water. So ये तो एग्जांपल दी है कि आप एक tub containing water के अंदर, जैसे मैं आपकी बनाया हुआ है, ठीक है, step के अंदर आप pencil को अब साइड पे रख के उसको flow करें, so क्या होगा जब आप up and down to and fro उसको इसके कहते हैं इस pencil को हिलाएंगे, so you should see that के water के surface पे कुछ ऐसी लहरें बनेंगी, ठीक है, लहरें आएंगी, so these type of layers are known as wave motion. So ये आपका wave motion है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये wave motion अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।